चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लीज ध्यान से देखो, ओम्स लॉ को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर, जी ना, जैसे ही हम लोग बोलते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, इस बात से समझ में क्या आता है, इस बात से ये समझ में आता है कि ओम्स लॉ टेम्परेचर के साथ क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी फिर ऐसा बोले कि ओम्स लॉ कब तक वैलिड है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, ओम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि ओम्स लॉ कब तक अप्लाई कर सकते हो आप, जब तक टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं वो चेंज हो जाती है, और क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है इसलिए क्या होता है, ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात बोली, द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट मतलब क्या, जो करंट है वो हमारा पहला वेरिएबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, की डायरेक्ट रिलेशन है हमारे दूसरे वेरिएबल के साथ, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने बोला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने लिखा, जब वी बढ़ेगा, तो आई भी बढ़ेगा, और जब वी कम होगा तो आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब अगेन हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी का क्या है, साइन है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट कौन होता है, आर, और आर का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। आर का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इस इक्वल टू के साइन को लगाएंगे तो यहाँ पर 1/r आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट इन टू वी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, वेर आर इज द रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरी वन?